इब्राहिम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 उसका सेकंड लेक्चर और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से और ये एंट्रेंस टेस्ट का भी टॉपिक है और टॉपिक का जो टाइटल है हम कह सकते हैं वो ये है, थीम ये है, फोर्स ऑन ए करंट कैरियिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम एक जो पिछला टॉपिक हमारा डिस्कशन में रहा है वो ये था कि अगर एक वायर हो उसमें से अगर करंट पास हो रहा हो तो उस वायर के इर्द गिर्द क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, हमने क्या किया, हमने इस वायर को एक और मैग्नेट के अंदर ले जाके रख दिया। अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जब वो इंटरैक्ट करेंगे अब हो सकता है ये वायर अवे मूव करे, हो सकता है ये वायर टूवर्ड मूव करे, ये आगे की जाने मूव करे, जो है ना पीछे की जाने मूव करे, वो डिपेंड करता है कि फोर्स किधर लग रही है। तो यही इस जो है ना हमारे आज के टॉपिक का थीम होगा कि इस रॉड के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डिपेंडेंस किन चीजों पर है, क्या वो करंट पे डिपेंड करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करेंगे, इसमें हमारे पास जो डिस्कशन में जिसके गिर्द हम घूमेंगे वो है ये अपरेटस। इसमें ये है कि हमारे पास दो कापर की पैरेलल रेल्स हैं, जस्ट लाइक दिस, ये दो कापर की रेल्स हैं, जैसे ये एक और ये दो कापर रेल्स हैं। इन दो कापर रेल्स के ऊपर हम एक कंडक्टर रख देंगे, करंट कैरियिंग कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर एक रॉड पड़ा है, अब इस रॉड के अंदर से करंट पास हो रहा है। स्टूडेंट कॉमन सेंस है जब यहां से ये करंट का हाई पोटेंशियल है, कन्वेंशनल करंट यूं आएगा, जैसे ही करंट यहां से गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द ये एक मैग्नेटिक फील्ड कायम हो जाएगा सर्कुलर शेप में, और राइट हैंड रूल से वो मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से इसके गिर्द रॉड के गिर्द मौजूद होगा। हमने क्या किया, हमने इस पूरे ऑपरेटस को एक और मैग्नेटिक फील्ड में जिसका नाम है हार्स शू मैग्नेट उसके अंदर ले जाके रख दिया। अब इस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जैसे मैं समझा रहा था, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सो मैं यहां पे कह सकता हूं व्हेन अ करंट कैरियिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेट ऑफ हार्स शू मैग्नेट देन द बोथ द मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरैक्ट ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट दिस रॉड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड उस फोर्स को फिलहाल मैं यहां पे आपको डायरेक्शन बाद में समझाऊंगा। मान लें ये फोर्स जो है वो राइट साइड पे है फिलहाल, मतलब कन्वेंशनल करंट की वजह से जो फोर्स है दैट इज टुवर्ड द राइट साइड। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पैरामीटर्स अपॉन विच दिस फोर्स डिपेंड्स। हमने देखा एक्सपेरिमेंटली जो रॉड के ऊपर फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। व्हाट डज इट मीन, हम जितना ज्यादा करंट यहां से गुजारते हैं उतनी ही ज्यादा शिद्दत से फोर्स अमल करती है। दूसरी चीज हमने देखी कि रॉड के ऊपर अमल करने वाली जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा हुआ है जिसके अंदर हमने इस पूरे ऑपरेटर को रखा था, जितना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट हम लगाते हैं उतनी ही ज्यादा फोर्स अमल करती है। चलो यहां पे मैं बल्कि लिख देता हूं, दिस इज द करंट पासिंग फ्रॉम कंडक्टर और डायरेक्ट रिलेशन आपको क्लियर करवा रहा है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरी चीज हमने देखी रॉड के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। अब ये एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। ये रॉड हम जितना लेंथ बढ़ा देते हैं इसके ऊपर उतनी ही ज्यादा फोर्स लगती है। एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रॉड।
वैसे ये लेंथ जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है लेंथ, लेकिन यहां पे हम इसको वेक्टर लेंगे और लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर करंट गुजर रहा होगा। अगर इस रॉड में से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी ऊपर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, अगर करंट नीचे आएगा तो लेंथ वेक्टर भी किधर होगी, नीचे की जाने होगी। चौथी चीज जो हमने देखी, रॉड के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल, ये एक बनने वाला एंगल है किसके दरमियान, ये मैग्नेटिक फील्ड बी और ये रॉड के दरमियान, दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड यू नो लेंथ ऑफ द यू कैन सी दैट लेंथ ऑफ द रॉड। अब हमारे पास यहां पे इन सारे पैरामीटर्स को हम इकट्ठा करें तो फोर्स प्रोपोर्शनल निकलेगी आई एल बी साइन अल्फा। ये इन चार पैरामीटर्स के फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट, और हमारे पास यहां पे जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास एफ आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू के, बल्कि के की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा आई एल बी साइन अल्फा। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दी, हमें फोर्स में आई एल बी और साइन अल्फा तमाम पैरामीटर्स का अगर आइडिया हो जाए कि करंट कितना है, लेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है, तो हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम आएंगे, ये इसकी स्केलर फॉर्म है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स यू नो वेल कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स अगर वेक्टर है तो इसकी वेक्टर फॉर्म कुछ यूं लिखी जाएगी, एफ फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो आपके सामने ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एल और बी वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और ये डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं या फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसकी मदद से भी मालूम कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल केसेस ऐड करें, स्पेशल केसेस मींस, स्पेशल केस मीन मैक्सिमम फोर्स कब होगी, मैक्सिमम फोर्स। स्टूडेंट्स फोर्स उस वक्त मैक्सिमम होगी क्योंकि फोर्स का इनसार है साइन फंक्शन पे, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। अब साइन कब मैक्सिमम होता है, 90 पे, जब हमारे पास ये एल वेक्टर और ये बी वेक्टर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस रॉड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी। मींस टू से दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस सूरत में फोर्स, ये वाला फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 90 1 के इक्वल है तो एफ आ जाएगा आई एल बी, ये है जी फोर्स मैक्सिमम का फार्मूला। इसी तरह मिनिमम फोर्स कब होगी, तो मिनिमम फोर्स आप जानते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, इन दोनों सूरतों में साइन की कीमत 0 आती है, तो हमारे पास फोर्स बनेगी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 कर लें या साइन 180 कर लें, बात एक ही है, इस सूरत में फोर्स आई एल बी इंटू 0, तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी, 0। तो ये हमारे पास दो स्पेशल केसेस थे कि मैक्सिमम फोर्स उस वक्त होगी जब मैग्नेटिक फील्ड और रॉड आपस में परपेंडिकुलर है, और मिनिमम फोर्स कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह है और रॉड भी हमने इस तरह से रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड में यू रख दिया फॉर एग्जाम्पल, यानी उसके बिल्कुल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस सूरत में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आगे इसको हम चलाएंगे, हमें नजर आता है, चलो करंट से हम वाकिफ हैं, लेंथ से हम वाकिफ हैं, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, लेट्स डिफाइन दिस। तो
मैग्नेटिक इंडक्शन इस ये क्या चीज है इसको डिफाइन करेंगे। सो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट यहां से देखिए मैक्सिमम फोर्स में से F किसके बराबर है आई एल बी, तो एस F इज इक्वल टू आई एल बी, यहां से B की वैल्यू निकाले तो B किसके इक्वल होगा F ओवर आई एल, ये हमारे पास B। अब अगर लेट हम करते हैं कि जो करंट है जो इस रॉड में से गुजर रहा है, मान लें वो करंट 1 एम्पीयर है, 1 एम्पीयर ये हमारे पास क्या है करंट है, और स्टूडेंट्स जो लेंथ है रॉड की वो 1 मीटर है, तो ये जो फार्मूला है कुछ यूं लिखा जाएगा B इक्वल्स ये F ओवर करंट 1 एम्पीयर और लेंथ की जगह 1 मीटर, या B इज इक्वल टू F, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस B को क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स डिफाइन मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फोर्स, बेसिकली ये भी एक फोर्स ही है विच इज एक्टिंग ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये वो फोर्स है जो ऐसे रॉड के ऊपर अमल कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उस रॉड में से करंट कितना गुजर रहा है 1 एम्पीयर, तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए रॉड हुज लेंथ इज 1 मीटर विच कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, इट इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है एक्टिंग ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है, कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, उस रॉड में से जो करंट पास हो रहा है कितना पास हो रहा है 1 एम्पीयर, वो जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके जब हमने यूनिट्स निकाले मैग्नेटिक इंडक्शन के तो देख लें जी B किसके बराबर है F ओवर IL, तो इसके यूनिट निकले थे टेस्ला, और टेस्ला किसके बराबर है ये न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर, ये हमारे पास टेस्ला है, और टेस्ला SI यूनिट है, इसका जो CGS यूनिट है यूं समझ लें ओल्ड यूनिट वो क्या है वो गॉज है, ठीक है, और गॉज और टेस्ला में ताल्लुक क्या है, जो ऐसे यूनिट्स हैं ये हमेशा लार्ज होते हैं, इट मींस दैट 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10^4 गॉज, तो 10^4 गॉज मिलेंगे तब जाके वो 1 टेस्ला के इक्वल होंगे, इट मींस दैट टेस्ला इज ए लार्ज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स डिफाइन 1 टेस्ला, 1 टेस्ला को डिफाइन करें स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला होगी, ये देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी 1 टेस्ला, अगर कितनी फोर्स लगे इस रॉड के ऊपर 1 न्यूटन, इस रॉड की लेंथ कितनी हो 1 मीटर, लेंथ कितनी हो 1 मीटर, और इसमें से करंट कितना पास हो रहा हो 1 एम्पीयर, और इसको किस एंगल पे रखा जाए 90 डिग्री, तो अगर एक परपेंडिकुलर रॉड पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अमल करे, उसकी लेंथ 1 मीटर हो और वो कैरी करे करंट 1 एम्पीयर, तो उसकी जो इंडक्शन होगी वो 1 टेस्ला मानी जाएगी, तो हम कह सकते हैं द इंडक्शन विल बी 1 टेस्ला इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्स ऑन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरी करंट 1 एम्पीयर कैप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसको हमने 90 के एंगल पे रखा है, तो हमारे पास
इंडक्शन जो है वो 1 टेस्ला मानी जाएगी। आगे अगर हम इसमें आए तो हमारे पास कुछ कन्वेंशन है, याद रखिएगा इस चैप्टर में सम टाइम हम मैग्नेटिक इंडक्शन को इस तरह से क्रॉस से जाहिर करेंगे जस्ट लाइक दिस, और सम टाइम हम इसको डॉट से जाहिर करेंगे जस्ट लाइक ये डॉट। तो क्रॉस में से कब जाहिर करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, अगर मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू द पेपर है तो उसको हम क्रॉस से जाहिर करेंगे, अगर आउट ऑफ द पेपर है कि यूं समझ लें मैग्नेटिक फील्ड इस व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है उस वक्त हम किससे जाहिर करेंगे, डॉट से जाहिर किया करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कहते हैं। आगे आ जाए तो हमें इसमें डायरेक्शन मालूम करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल की मदद से, राइट हैंड पाल रूल की मदद से, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन दो की मदद से, या पाल रूल तीसरा हो जाता है, तीन की मदद से हम जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे स्टूडेंट, फर्ज करें हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड बी जस्ट लाइक दिस, यानी बी किधर है ऊपर की जानिब, इसमें ये वो रॉड पड़ा है लाइक दिस, ये रॉड और इसमें करंट जो है ना इस तरफ जा रहा है, अगर करंट उस तरफ जा रहा है मुझसे अवे जा रहा है तो लेंथ भी उसी तरफ इसकी हम कंसीडर करेंगे। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल ये कहता है कि आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। देखें ये है फार्मूला, एफ फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये है जी फोर्स निकालने का फार्मूला वेक्टर फॉर्म। तो जिस तरह हम ए वेक्टर क्रॉस बी करते हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में, बिल्कुल वैसे ही ये है एल क्रॉस बी। तो दाएं हाथ की उंगलियों को एल वेक्टर से बी वेक्टर की जानिब रोटेट करेंगे, कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है ये फोर्स बताएगा। मींस टू से यहां पे देखें, ये एल की तरफ आपकी उंगलियां जाएंगी लाइक दिस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो यूं मोड़ेंगे तो फोर्स किधर आएगी, आउट ऑफ द पेपर। तो यहां पे जो फोर्स लग रही है दैट इज आउट ऑफ द पेपर, पेपर वो आउट ऑफ पेपर यहां पे फोर्स लग रही है। इसी तरह अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और आपका जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है, ये यहां से मैंने एरो शुरू में बताया है। तो आपका जो राइट हैंड है वो इस तरह से जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो आपका थंब किधर आएगा टुवर्ड राइट साइड, तो इसके ऊपर रॉड के ऊपर फोर्स किधर लगेगी राइट साइड। ये तो हो गया राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि आप अपना ये जो थंब है ये फोर्स बताता है, अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को यूं रखें लाइक दिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये जो थंब है ये फोर्स बताएगा, ये जो फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए और ये किधर होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में। तो आप जो है ना इजिली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आप अगर यहां पे रखेंगे ये देखिए लाइक दिस, तो ये फिंगर जो है ये किधर है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऊपर की तरफ, ये किधर जा रही है करंट की जानिब, ये देखें ये करंट है, और मेरा अंगूठा किधर आ रहा है बाहर की तरफ, वो हम पहले से जानते हैं कि जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी आउट ऑफ द पेपर। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे राइट हैंड रूल आप नीड करेंगे, मैं यहां पे उसकी मैं बता देता हूं, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम एल वेक्टर टू बी वेक्टर, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये आपने यहां पे इसको भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझना है। आप इसके देखते हैं फिजिकल मीनिंग्स, फिजिकल मीनिंग्स, ये जो पूरा आपने टॉपिक पढ़ा है इसमें मतलब फोर्स किस तरह से लगती है हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट। ये देखें, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दो पोल है ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर पड़ी है इसके बीच में, और इस वायर में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट अगर आउट ऑफ द पेपर बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको मैं डॉट
एक सिंगल एक डार्ट से जहर का। अब जब करंट बाहर की तरफ आएगा, जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है उसके मुताबिक जो फोर्स की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें जी, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपका अंगूठा बाहर की तरफ है और आपकी उंगलियां इस तरह से खम खा रही। अब अगर हम देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी लाइक दिस। ये जो रेड लाइंस हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ऊपर देखें तो ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन जो है हमारी वायर वाली लाइन वो मेरी तरफ आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब है यहां पे फील्ड का जो रिजल्ट है वो वीक हो जाएगा। यूं समझ लें यहां पे मैग्नेटिक प्रेशर, यूं कह लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, वो कम है। जबकि यहां पे देखें तो ये एरो भी उधर जा रहा है मुझसे दूर और ये भी नॉर्थ से साउथ, ये भी इसी तरफ है। तो यहां पे फोर्स स्ट्रांग है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक सिमत में है। और यहां पे फोर्स क्या है, वीक है। जहां पे वीक है ऑब्जेक्ट हमेशा उसी तरफ मूव करता है, तो इसके ऊपर किधर लोग फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ, और ये फोर्स की वजह से ये रॉड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी बना लेंगे। हमारे पास ये देखें, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट का साउथ पोल है, ये इसके अंदर अब वायर पड़ी है, लेकिन वायर में करंट इन टू दी पेपर जा रहा है, यानी अब करंट इनवर्ड जा रहा है। आपकी उंगलियां यूं मुड़ेंगी लाइक दिस, ये देखें, ये इस तरह से। और हमारे पास ये वाला जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ है लाइक दिस, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब क्या होगा, आप ऊपर देखें तो हमारे पास, सॉरी, ये एरो इस तरफ है ना, क्लॉकवाइज। तो ऊपर देखें तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ और ये भी क्लॉकवाइज, तो ये सपोर्ट करेंगे। यहां मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है और यहां देखें ये मेरी तरफ आ रही है और ये मुझसे अवे जा रही है। तो अब ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। एक आपकी बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हों, ये एक वायर है ये दूसरी वायर है, दो पैरेलल वायर्स हों कैरी अ करंट इन सेम डायरेक्शन, इन दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट। उसकी रीजन यही है, ये जो मैं आपको यहां पे उसकी फिजिक्स यही है जो मैं समझा चुका हूं। इसी तरह अगर दो पैरेलल वायर्स हों, ये एक वायर ये दूसरी वायर, एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है दूसरी वायर में करंट नीचे आ रहा है, यानी कैरी अ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये भी इंफॉर्मेशन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से अपने माइंड में रखिएगा। तो हमारे पास फिलहाल एक लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने फोर्स कैलकुलेट की है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका फार्मूला क्या था, फोर्स का आई एल बी साइन अल्फा, उसकी वेक्टर फॉर्म, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, इसी तरह मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट क्या है, 1 टेस्ला कितना इंडक्शन होती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशन याद कर लेंगे कि क्रॉस का क्या मतलब है, डार्ट का क्या मतलब है, इसी तरह ये हमारे पास फिजिकल मीनिंग भी आपने करने हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।